मेरा नाम अजय प्रताप सिंह है। आज हमने ताजमहल के ऊपर एक रेगुलर सूट दायर किया है। हमने अपने केस में ये कहा है कि जो ताजमहल है मूल रूप से वो तेजोलिंग महादेव है। तेजो नाम शिव सहस्त्र नाम स्रोत में तेजो नाम शिव जी का है और विश्वकर्मा प्रकाश में तेजोलिंग वेद निर्माण का वर्णन है। तो वर्तमान में जो ताजमहल है वही तेजो महालय मंदिर है। हमने एक पिछले वर्ष ASI को RTI डाली थी जिसमें पूछा था कि ताजमहल बनना कब शुरू हुआ और ख़त्म कब हुआ और कितने मेथड से इसकी एज निकाली गई है। लेकिन उसमें ASI ने जवाब दिया कि ताजमहल एक रिसर्च का मैटर है और आप हमारी वेबसाइट और तत्कालीन बुक्स पढ़ सकते हैं। तो जब हमने रिसर्च करना शुरू की ASI के कहने के अनुसार तो 1946 का जो ASI के डायरेक्टर जनरल माधव स्वरूप वत्स रहे हैं उनका रिपेयरिंग ऑफ ताजमहल के नाम से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है ASI के बुलेटिन में। तो उसमें उन्होंने कहा है ताजमहल का ऑथर कौन है ये एक डिस्प्यूटेड इशू है। और आगरा के JTR में भी सेम बात यही कही गई है, ताजमहल का आर्किटेक्ट एक डिस्प्यूटेड इशू है। 1906 के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जनरल में भी यही बात कही गई है कि ताजमहल का आर्किटेक्ट एक डिस्प्यूटेड इशू है। तो सभी चीज़ों से जो भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं उन सब में एक चीज़ क्लियर हो रही है कि ताजमहल का जो इशू है वो हमेशा से एक डिस्प्यूट का इशू रहा है जो आज तक क्लियर नहीं किया गया है। और बाबरनामा में ताजमहल का उल्लेख है जिसमें बाबर ने कहा है कि जो ताज गार्डन है उसको बाबर ने बनवाया है उसे चारबाग का नाम दिया। ASI भी यही बात कहती है और हुमायूं नामा में भी ताजमहल का जिक्र है क्योंकि शाहजहां से पहले हुमायूं या बाबर और हुमायूं हो चुके हैं। तो अगर शाहजहां ने यह ताजमहल बनाया होता तो पहले जिक्र नहीं होता। तो हमने डिक्लेरेशन का सूट डाला है और इसमें सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर DG ASI और सुपरिंटेंडेंट ASI आगरा सर्किल और DG UP टूरिज्म को रेस्पॉन्डेंट बनाया है। आपको लगता है कि ताजमहल नहीं तेजो महल है? हाँ, तेजो महल है। तो जी जी जी